दिल्ली चलती हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट एथिरे जोग देछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंत देखिबा ए संपर्कित किछि खबर नुआदिल्ली रे हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट दिल्ली हातर रेजेंसी रे आज ठारु आरंभ होईछि दुई दिनिया कर्मशाला हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट रे जोग देछंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द इरिवर्सिबल राइज ऑफ इंडिया प्रसंग रे कर्मशाला रे आलोचना चालितबा बळे उद्बोधन देउछंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई इंकार नहीं करता जादू की छड़ी से नहीं होता है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हाथ पर हाथ धरे रखकर के बैठे रहे ये अप्रोच हमें कुछ भी नया करने से इनोवेटिव करने से रिस्क लेने से रोकती रहती है ये अप्रोच हमें फैसला लेने से रोकती है इसलिए इस सरकार की अप्रोच इससे बिल्कुल अलग है जैसे यूरिया की नीम कोटिंग की बात करें पहले की सरकार में यूरिया की 35% नीम कोटिंग होती थी और ये उनका फैसला था और उन्होंने उस पर अपना बंधन डाला हुआ था 35% ज्यादा नहीं करना जबकि पूरे सिस्टम को पता था कि 35% नीम कोटिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा यूरिया का डायवर्जन रोकना है फैक्ट्रियों में जाने से रोकना है तो उसकी 100% नीम कोटिंग करना बहुत ही जरूरी है श्रीमान भरतिया जी यहां बैठे हैं भरूच में उनका केमिकल की फैक्ट्री उनको मालूम है कि यूरिया कहां से कहां जाता है उनके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी दुनिया है ये रुक गया लेकिन ये फैसला पहले नहीं हुआ इस सरकार ने फैसला लिया यूरिया की पूरी तरह नीम कोटिंग का भाइयों और बहनों इस फैसले से ना सिर्फ यूरिया का डायवर्जन रुका है बल्कि उसकी अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है अब किसान को उतनी ही जमीन के लिए कम यूरिया डालना पड़ता है इतना ही नहीं कम यूरिया डालने के बावजूद भी उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई है ऐसे ही अब हम देश में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिस पर आकर किसी भी जगह का किसान कहीं से भी अपनी फसल बेच सकता है यह देश में बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है ईनेम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से अब तक देश की 450 से ज्यादा मंडियां को ऑनलाइन जोड़ा जा चुका है भविष्य में ये प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाने में बहुत मदद करने वाला है अभी हाल ही में सरकार ने देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की है इस योजना का मकसद है कि खेत या बाग में पैदा होने के बाद जो अनाज या फल मंडी तक पहुंचने से पहले खराब हो जाते हैं उसे बचाया जाए सरकार इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी मजबूत कर रही है ताकि किसान का खेत एक इंडस्ट्रियल एंटिटी के रूप में वो उस प्रकार का भी काम कर सके फूड पार्क पर फूड प्रोसेसिंग पर इन सारी बातों से जुड़ी आधुनिक तकनीक पर नए गोदामों पर एग्रो प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर सरकार ने सीड मनी के रूप में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का ऑलरेडी फैसला कर लिया है
भाइयों और बहनों, समय के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे लोगों का मूड होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रहा है, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। सिक्किम आज हमारा एक राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है और सिक्किम की तरह ही देश के कई राज्यों में 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनने की क्षमता है और विशेष करके हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं, इसे और बढ़ावा इस क्षेत्र में हम दे सकते हैं और इसके लिए भी सरकार 10,000 क्लस्टर बनाकर उनमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। अभी हाल ही में हमने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब तक बांस को देश के एक कानून में पेड़ माना जाता था और आप हैरान होंगे, भारत सरकार के दो अलग कानून, एक में वो पेड़ था तो दूसरे में वो ग्रास था, क्योंकि सरकार साइलों में चलती है तब ऐसा होता है, उसे पेड़ माना जाता था और इस वजह से बांस काटने को लेकर बहुत सारी कठिनाइयां होती थी, जेल तक जाना पड़ता था। अब सरकार ने बांस को पेड़ की लिस्ट से हटा दिया है और इसका फायदा देश के दूर दराज के इलाकों में और खासकर उत्तर पूर्व के किसानों को होगा जो बांबू फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट के लिए काम करते हैं। आप हैरान होंगे, अगरबत्ती बनाने के लिए, पतंग बनाने के लिए हमें बांबू इंपोर्ट करना पड़ रहा है इस एक कानून की गड़बड़ के कारण। हमारे देश में किसान खेत के किनारे पर भी अब बांबू की खेती कर सकता है, बांबू बेच सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले की सरकार द्वारा बनाए गए एक और कानून में, जैसा मैंने पहले कहा, यानी दो डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात न करते हो और यह विरोधाभास लंबे अरसे तक से चलता आ रहा है। हमारी सरकार में एक होलिस्टिक अप्रोच है, साइलों से बाहर निकल करके सोचने की एक परंपरा हमने खड़ी की है और फैसले भी मिलजुल करके लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। इस तरह के फैसले पहले नहीं लिए जा रहे थे और इसीलिए देश का हर व्यक्ति व्यवस्था से जूझता रहता था, उसकी पूरी शक्ति उसमें खप जाती थी, वो देश को आंतरिक बुराइयों से मुक्त देखने के साथ ही नई व्यवस्थाओं के निर्माण को भी होते हुए देखना चाहता है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां जो सिस्टम था उसने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया था, काला धन ही देश के हर बड़े सेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। 2014 में देश के 125 करोड़ ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें वोट दिया था। उन्होंने वोट दिया था देश को लगी बीमारियों के परमानेंट इलाज के लिए, उन्होंने वोट दिया था न्यू इंडिया बनाने के लिए। डीमोनेटाइजेशन के बाद देश में जिस तरह का बिहेवियरल चेंज आया है उसे आप स्वयं भी महसूस करते होंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भ्रष्टाचारियों को काले धन के लेन देन से पहली बार डर लगने लगा है, उनमें पकड़े जाने का भय आया है। जो काला धन पहले पैरेलल इकोनॉमी का आधार था, वो डीमोनेटाइजेशन के बाद फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना है। और बड़ी बात
ये भी है कि बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ पैसा आया है नहीं है, उन पैसों के साथ जाने अनजाने में सबूत भी आ गया है। देश को जो डेटा मिला है, मैं समझता हूं वो किसी भी खजाने से कम नहीं है। इस डेटा की माइनिंग से पता चला है कि हमारे देश में एक ही एड्रेस पर 400, 500 कंपनियां चल रही थी और एक एक कंपनी ने 2,000 बैंक अकाउंट खुलवाए थे। ये कलकत्ते के लोग यहां बैठे उनको पूरा भलीभांति पता है। ये अजीब विरोधाभास नहीं था क्या? एक तरफ गरीब को बैंक में एक अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आती थी और दूसरी तरफ एक कंपनी आसानी से हजारों अकाउंट खुलवा लेती थी। नोटबंदी के दौरान इन अकाउंट्स में भी जो हेरा फेरी की गई है वो भी पकड़ में आ गए और अब तक ऐसी लगभग 2.25 लाख कंपनियों को डी रजिस्टर किया जा चुका है। इन कंपनियों में जो डायरेक्टर थे, जिनकी जिम्मेवारी थी कि ये कंपनियां सही तरीके से काम करें, उनकी भी जिम्मेवारी फिक्स की गई है और मैं जानता हूं उसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। उनके अब किसी और कंपनी में डायरेक्टर बनने पर रोक लगा दी गई है। साथियों, के ऐसा कदम है जो हमारे देश में स्वस्थ और स्वच्छ कॉरपोरेट कल्चर को और मजबूत करेगा। जीएसटी लागू होना देश की आर्थिक स्वच्छता के लिए एक अहम कदम है। 70 वर्ष में जो व्यवस्था बन गई थी, कारोबार करने में जो कमजोरियां थी, जो मजबूरियां थी, उन्हें पीछे छोड़कर देश अब आगे बढ़ चला है। जीएसटी से भी देश में ट्रांसपेरेंसी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। ज्यादा से ज्यादा व्यापारी भी इस ईमानदार सिस्टम से जुड़े हुए हैं। साथियों, ऐसे ही एक इरिवर्सिबल चेंज को आधार नंबर से मदद मिल रही है। आधार एक ऐसी शक्ति है जिससे सरकार गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहती है। सस्ता राशन, स्कॉलरशिप, दवाई का खर्च, पेंशन, सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी गरीबों तक पहुंचाने में आधार की बहुत बड़ी भूमिका है। आधार के साथ मोबाइल और जनधन अकाउंट की ताकत जुड़ जाने से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचा तक नहीं जा सकता था। एक ऐसी व्यवस्था जो इरिवर्सिबल है। पिछले 3 वर्षों में आधार की मदद से करोड़ों फर्जी नाम से जो काम चले जाते थे, यानी ऐसी विधवाओं को पेंशन मिलता था जिस बेटी का कभी जन्म भी नहीं हुआ था, अरे फर्जी नाम से उन सारी चीजों को हटाया गया है। और ये भी मैं बता के रखता हूं, तो ये फोरम है, शायद यहां से कहना ज्यादा अच्छा होगा, इस आधार का उपयोग बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। भाइयों और बहनों, इस सरकार में सरकारी खरीद के पुराने तरीकों भी पूरी तरह बदला जा चुका है। हमने एक नई व्यवस्था विकसित की है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस
जेम जी एम उसके नाम से आप ऑनलाइन जाकर के इसका उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सरकार में अब इसी के जरिए टेंडर दिए जा रहे हैं और सरकारी सामान की खरीदी हो रही है। अब कॉटेज इंडस्ट्री वाला भी, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला भी, होममेड इक्विपमेंट बनाने वाला भी जेम के माध्यम से सरकार को अपना सामान बेच सकता है, सप्लाई कर सकता है। भाइयों और बहनों, हमें एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें काला धन पैदा करना, सिस्टम की कमजोरी की वजह से भ्रष्टाचार करने की संभावनाओं को कम करता चला जा रहा है। जिस दिन देश में ज्यादातर खरीद फरोख्त पैसे के लेन देन का एक टेक्निकल और डिजिटल एड्रेस होने लग गया, उस दिन से ऑर्गेनाइज करप्शन काफी हद तक थम जाएगा। मुझे पता है और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि जो कदम मैं उठा रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं और देश को जिस मंजिल पर पहुंचाने का मकसद लेकर के निकला हूं, इसकी कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका मुझे भला भारा अंदाज है। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। साथियों, जब योजनाओं में गति होती है तभी देश में प्रगति आती है। कुछ तो परिवर्तन आया होगा जिसकी वजह से सरकार की तमाम योजनाओं की स्पीड बढ़ गई है। साधन वही है, संसाधन वही है, अफसर वही है, दफ्तर वही है, फाइलें वही हैं, लेकिन सिस्टम में रफ्तार कैसे आएगी? कुछ तो किया होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ब्यूरोक्रेसी में भी एक नई कार्य संस्कृति, एक नया वर्क कल्चर डेवलप कर रही है और उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना रही है। मोदी को उद्बोधन आप देखुले सीधा प्रसारण प्रसंग था द इरिवर्जिबल राइज ऑफ इंडिया और दिल्ली हाथ रेजेन्सी दुईदिनिया कर्मशाला सीधा प्रसारण देखुल।